ये सारस है, इसे क्रेन भी कहते हैं, राजहंस और हंस भी कहते हैं, क्राउंच भी कहते हैं। ये एक साइबेरियन चिड़िया है, इसी मौसम में दिखाई देती है भारत में। बहुत ही सुंदर लगती है, इसकी आवाज़ भी बहुत विशेष होती है। इसे चिड़ियों का राजा भी कहते हैं, हंसों में भी ये प्रजाति बहुत ही स्पेशल होती है, ये शाकाहारी होते हैं। कई कलर के पाए जाते हैं, सफ़ेद, ब्राउन, आप इसे देख सकते हैं, ये कुछ ब्राउन ग्रे कलर में है, इसकी चोंच लाल रंग की है। ये अक्सर जोड़े में ही दिखाई देते हैं। ये भारत की जैव विविधता को प्रदर्शित करते हैं। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, इसके संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। कई पक्षी विज्ञानी भी इन पर शोध करते रहे हैं। इस बार भारी बरसात हुई है, इस कारण इनकी संख्या उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर देखी गई है। ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया है, भियाँ ब्लॉक, जो कि आजमगढ़ के बॉर्डर पर है। आजमगढ़ की और इसकी सीमा मिली हुई है। इसके अतिरिक्त मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की दूसरी सीमा पर फैजाबाद से लगते हुए भीटी ब्लॉक की थी, वहाँ भी ये सब दिखाई देते हैं। जल स्रोतों के आसपास, खेतों में, नदियों के किनारे आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही मनोहर दिख रहे हैं दोनों जोड़े। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी भी है। एक कहावत भी है, बगुला चले हंस की चाल। इन दोनों की आवाज बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। इनकी आवाज से ही आप कहीं भी सुनकर पहचान सकते हैं कि ये सारस या क्रेन या राजहंस पक्षी की आवाज है। इस बार अच्छी बारिश हुई है, खेतों में चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। धान के खेतों को नुकसान भी काफ़ी हुआ, लेकिन पक्षियों के लिए ये बहुत ही मनोरम मौसम है। इस साल मुझे अन्य साल की अपेक्षा अधिक पक्षी दिखाई दिए हैं और अधिक प्रजातियों के पक्षी दिखाई दिए हैं। ये ग्रामीण वातावरण है, बहुत ही सुंदर, स्वच्छ, प्राकृतिक। यहाँ बगल में नदी भी है, जिसकी वजह से इस गांव में खेतों में पानी भराता है बाढ़ के समय में। उस नदी का नाम टौंस नदी है, जो कि जलालपुर, भियाँ जिलों से होकर गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ का सीमावर्ती गांव है, पिंडोरिया जुड़ाईपुर।
बहुत ही सुंदर प्राकृतिक और बहुत ही इंटीरियर विलेज। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गोविंद साहिब का मेला प्रतिवर्ष लगता है, ऐतिहासिक मेला है। गुरु गोविंद साहिब के स्मरण में मनाया जाता है। बहुत ही निकट से इन्हें देख सकते हैं। दोनों काफी देर से खड़े हैं। बगुले भी दिखाई दे रहे हैं। हंस और हंसिनी का सुंदर जोड़ा। पानी में इनकी छाया दिखाई दे रही है। सारस, बगल में भी सारस की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ कई सारस झुंड में दिखाई देते हैं। सारस, दोनों के कलर में भी अंतर है। सुंदर, अति सुंदर। टिटिहरी की भी आवाज सुनाई दे रही है।
पंखों को फैलाए उड़ने की तैयारी में। टिहरी की आवाज सुन सकते हैं। एक ही स्थान पर सारस के जोड़े, बगुला, टिहरी।